हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कूलिंग वाटर सिस्टम, सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबको पता है, एक पावर प्लांट में हम जितना हीट इनपुट देते हैं टरबाइन को रोटेट कराने के लिए, उसका 50-60% हीट हमारी स्टीम कंडेंसर पर जाती है, और वहाँ से हमारी स्टीम वाटर में कन्वर्ट होती है और फिर वही वाटर रिसाइकिल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अब स्टीम कंडेंसर में से हीट रिजेक्ट कराने के लिए हमें कूलिंग वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड ये फ्रेंड्स, ये कूलिंग वाटर हमारा पूरे प्लांट में रीसर्कुलेट होता रहता है। एंड फ्रेंड्स, ये जो कूलिंग वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो कोई इतनी शॉर्ट क्वांटिटी में नहीं होती, बल्कि हमारी गैलेंस में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 kWh पावर जनरेट कर रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टीम कंडेंसर में हमें 50 gallons ऑफ कूलिंग वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ में एडिशनल 5% वाटर की रिक्वायरमेंट प्लांट की अदर सर्विसेज में भी होती है। सो फ्रेंड्स, अब ये कूलिंग वाटर हमारा स्टीम कंडेंसर को दो मेथड से सप्लाई किया जाता है। द फर्स्ट मेथड इज ओपन सर्किट कूलिंग वाटर सिस्टम एंड द सेकेंड मेथड इज क्लोज सर्किट और सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर सिस्टम। फ्रेंड्स, ये हमारे फर्स्ट मेथड का डायग्राम है। फ्रेंड्स, अब इस मेथड में होता क्या है? फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कूलिंग वाटर को एक नेचुरल सोर्स से लेते हैं, फॉर एग्जांपल रिवर, लेक एंड सी। सो फ्रेंड्स, इस मेथड में हम कूलिंग वाटर को रिवर से ले रहे हैं, किसके थ्रू? पंप्स के थ्रू या फिर स्ट्रेनर्स के थ्रू, और उसको पास करा रहे हैं कहाँ? स्टीम कंडेंसर में। एंड फ्रेंड्स, जो हमारा स्टीम कंडेंसर से हॉट वाटर आ रहा है उसको हम ड्रेन वेल्स के थ्रू किस में करा रहे हैं? रिवर में डिस्चार्ज, लेकिन 40-50 meters बिलो। एंड फ्रेंड्स, इसका रीज़न इसलिए ये है कि यहाँ पे हॉट वाटर को हम 40-50 meters नीचे डिस्चार्ज इसलिए कराते हैं जिससे हमारे पंपिंग स्टेशन जो है उस हॉट वाटर को ना ड्राइव कर ले, किसके लिए? कूलिंग के लिए, स्टीम कंडेंसर में। फ्रेंड्स, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा प्रोटेक्टिव डैम है, उसके बाद हो गया यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे पंपिंग स्टेशन है हमारा, कूलिंग वाटर ले जा रहा है और वो यहाँ से कंडेंसर में भेज रहा है। उसके बाद यहाँ से कंडेंसर से हमारा बाईपास चैनल के थ्रू, उसके बाद ड्रेन वेल्स के थ्रू यहाँ पे हॉट वाटर जा रहा है और 40-50 meters बिलो हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इस मेथड की मेन प्रायोरिटी है वो है कि यहाँ पर जो रिवर को कंटेन करना पड़ेगा 2-3 times वाटर, किसमें? ड्राइस कंडीशन में भी, क्योंकि अगर हमारा वाटर ही हमारे पास सफिशिएंट नहीं होगा तो यहाँ पे कूलिंग वाटर को हम सप्लाई कैसे करेंगे। तो उसकी मेन प्रायोरिटी इस मेथड की यही है कि यहाँ पे रिवर को 2-3 times वाटर को कंटेन करना पड़ेगा ड्राइस कंडीशन में भी। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज क्लोज सर्किट और सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर सिस्टम। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबको पता है कि नेचुरल वाटर कंटेन करता है एसिड्स, सीवेज कॉन्टामिनेशन और अदर फॉरन इम्प्योरिटी, सो हमें उसके लिए एक सेपरेट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की रिक्वायरमेंट होगी। एंड फ्रेंड्स, साथ ही साथ में हमें यह भी पता है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं किसी भी थर्मल डिस्चार्ज को हम अगर नेचुरल सोर्स में करते हैं, कोई भी थर्मल डिस्चार्ज अगर हम नेचुरल सोर्स में करेंगे तो वो उस पर भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो फ्रेंड्स, अब इन्हीं दो रीज़न की वजह से हमें जो हमारा कूलिंग वाटर आ रहा है उसे ही रिसाइकिल करना पड़ेगा, मतलब उसे बार बार ही यूज़ करना पड़ेगा अपना हमारे इसमें प्लांट में। सो फ्रेंड्स, हमारे ये अब किस मेथड की वजह से होगा? ये होगा हमारा कूलिंग पॉन्ड या फिर कूलिंग टावर की वजह से। सो फ्रेंड्स, अब हम कूलिंग पॉन्ड पढ़ते हैं एंड कूलिंग टावर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा कूलिंग पॉन्ड का डायग्राम। सो फ्रेंड्स, हमारा कूलिंग पॉन्ड में होता क्या है? कूलिंग पॉन्ड में ये हमारा एक तरह से एक सिंपलेस्ट मेथड है किसका? कूल वाटर को कूल करने का। यहाँ पर क्या होता है, हम जो हॉट वाटर को हम एक पॉन्ड में पास कर देते हैं और वो हॉट वाटर की जो हीट होती है वो हमारी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। सो उसकी वजह से क्या होता है, हीट रिमूवल की वजह से हमारा जो पानी होता है पॉन्ड में वो हमारा ठंडा हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इस मेथड में होता क्या है, यहाँ पर जो हम वाटर को डिस्चार्ज करते हैं पाइपलाइन के थ्रू किसमें? पॉन्ड में, जो सफिशिएंट एरिया का होता है। एंड उसका हॉट वाटर जो है हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। सो फ्रेंड्स, अब हम रेट ऑफ कूलिंग को बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, रेट ऑफ कूलिंग को बढ़ाने के यहाँ पे दो मेथड है। पहला मेथड तो यहाँ पे ये है कि हम एक एडिशनल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करा दें एयर एंड वाटर के बीच में। सो फ्रेंड्स, ये कैसे होगा? ये होगा हमारा नोजल्स की मदद से, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे नोजल्स जो है हमारे क्या करते हैं, नोजल्स हमारे वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं स्प्रेज में। एंड फ्रेंड्स, सेकेंड मेथड हमारे ये है कि हम हॉट वाटर में वर्लिंग मोशन प्रोवाइड करा दें। वर्लिंग मोशन वही, अगर हम हॉट वाटर को जब घुमाते हैं तो हमारे वर्ल्स बनते हैं ना, जैसे हम वाटर को घुमाते हैं तो हमारे वर्ल्स बनते हैं। तो उससे फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे हम वर्लिंग मोशन प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारा एटमाइजेशन हो जाएगा, मतलब वाटर के जो बल्क पार्टिकल्स हैं, मतलब बड़े पार्टिकल्स हैं, वो हमारे स्मॉल ड्रॉपलेट्स में डिवाइड हो जाएंगे या फिर ब्रेक हो जाएंगे।
सो हमारा वर्लिंग मोशन से एटमाइजेशन होगा, तो उससे रेट ऑफ कूलिंग बढ़ जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम नॉजल्स यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट मेथड में, यहाँ पे नॉजल्स को हम 1.2 to 2.4 मीटर अबव रखते हैं सरफेस ऑफ वाटर के। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे द मेन प्रायोरिटी है हमारे इस मेथड की कि यहाँ पे पॉन्ड जो हमारी ऐसी लोकेशन पे सिचुएटेड होना चाहिए जहाँ पर हमारा एयर का फ्लो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन हो, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन लाइक बिल्डिंग, यहाँ पे एयर हमारी डायरेक्टली आए विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए एयर के फ्लो में। एंड फ्रेंड्स, एक डिसएडवांटेज इस मेथड का ये है कि ये मेथड सिर्फ हमारे लो कैपेसिटी पावर प्लांट्स के लिए काम आता है, लाइक डीजल पावर प्लांट्स, हम इसको लार्ज कैपेसिटी पावर प्लांट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, हमारा इतना ही था कूलिंग वाटर सिस्टम में। सो अगर आपको मेरा कंटेंट यूजफुल लगा हो, सो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।